अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्कर में जो काम करते हैं, डोमेस्टिक कैटेगरी में जो काम करते हैं, उनके लिए एक बड़ी अपडेट है जो आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। डोमेस्टिक वर्कर में जैसे हाउस ड्राइवर का काम हो गया, चाहे अमिल मंजिली का काम हो गया जिसे हाउस बॉय बोला जाता है, या घर में जो खदामा काम करती हैं जिन्हें नौकरानी कहा जाता है, तो वो ये सब कैटेगरी डोमेस्टिक कैटेगरी में आता है। तो इनके लिए एक बड़ी अपडेट आई है जो आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, और भी सऊदी अरब से जुड़ी कुछ अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप लोग को मिल सके। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब में जो डोमेस्टिक वर्कर में काम कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। ओकाज अखबार के मुताबिक यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं अगर उनका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो वो स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, यानी जिस कपिल के पास वो काम कर रहे हैं उस कपिल से दूसरे कपिल के पास ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं, जिसे कफाला कहा जाता है, तो वो कफाला नहीं करा सकते हैं। हालांकि ये चीज़ पहले भी था कि अगर इकामा एक्सपायर हो गया है तो अगर आपका कपिल पुराना कपिल राजी है तो वो इकामा का पैसा भरने के बाद आपका कफाला करा सकता था, यानी कपिल के राजामंदी पर आप अपना कफाला करा सकते थे, ट्रांसफ़र करा सकते थे। पर नई अपडेट ये है कि नया कानून ये बना है कि जो भी डोमेस्टिक कैटेगरी में काम करने वाले वर्कर हैं उनका इकामा एक्सपायर हो जाता है या उनका इकामा 15 दिन तक ही वैलिड रहता है, मतलब 15 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो इस सूरत में भी, इस हाल में भी वो कफाला नहीं करा सकते हैं। पहले ऐसा था कि अगर उनका इकामा एक्सपायर नहीं हुआ था तो उनके कपिल के रजामंदी से दूसरा कपिल ट्रांसफ़र करा सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 15 दिन तक अगर आपका इकामा वैलिड है, यानी 15 दिन के बाद आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है या एक्सपायर हो चुका है, तो इस सूरत में आप कफाला नहीं करा सकते हैं। भले ही आपका पुराना कपिल सहमत है कि हम कफाला देने के लिए तैयार हैं तो भी ये कफाला नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आपका इकामा 15 दिन तक वैलिड है, यानी 15 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है, या आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, मतलब कि जो आपका कपिल है उस कपिल के अलावा दूसरा कपिल आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपको कफाला कराना है तो आप टाइम रहते ही आप अपने कपिल को बोलिए कि हमारा इकामा रिन्यूअल कर दे। क्योंकि यहाँ पर नियम ये है, कानून ये है कि किसी भी सऊदी के पास अगर 4 डोमेस्टिक वर्कर से ज़्यादा अगर है, 5वां डोमेस्टिक वर्कर है, तो उसे मकतबे अमल का पैसा देना पड़े। यानी कि डोमेस्टिक कैटेगरी में बहुत ही कम इकामे का फीस होता है, जैसे कि 500, 600 रियाल, 700 रियाल तक ऐसे ही होता है। अगर वो 4 के अलावा 5वां वर्कर रखता है तो उसके इकामे का फीस 9000 रुपया से भी ज़्यादा हो सकता है। तो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो यहाँ पर आज़ाद वीजा के नाम पर काम करते हैं, हालांकि कोई भी आज़ाद वीजा नहीं होता है, यही डोमेस्टिक वर्कर का जो वीजा होता है जिसका इकामा 500-600 रियाल होता है। तो बहुत सारे सऊदियों से ये लोग वीजा लेते हैं और इन सऊदी को महीने का पैसा दिया जाता है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों आदमियों का, उस हिसाब से उनको महीने का पैसा दिया जाता है और वो आजाद होकर काम करते हैं। पर अभी चेकिंग इतनी तेज है कि ये लोग काम नहीं कर सकते हैं बाहर, जो जिसका इकामा पर जो लिखा रहेगा, जिसका काम जो लिखा रहेगा वही काम वो कर सकता है, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो अगर वो दूसरा काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे जुर्माने के साथ साथ डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से, इसी डर से जितने भी कफील हैं, अभी जितने भी सऊदी हैं, तो अभी वो जितने भी आजाद वीजा के नाम पर काम कर रहे हैं तो उन्हें बोला जा रहा है भाई तुम अपना कफाला करा लो, नहीं तो अपना खुरूज लगवा के अपना देश जाओ और दूसरी जगह पर आओ। और डोमेस्टिक वर्कर का कफाला यानी डोमेस्टिक वर्कर का ट्रांसफर पहले अफसर के जरिए से हो जाता था, अफसर के जरिए से दूसरा स्पॉन्सर एक्सेप्ट कर लेता था तो उनका कफाला हो जाता था, पर अभी अफसर के जरिए से नहीं हो पा रहा है। अगर उनका कपिल राजी है और वो ट्रांसफर देने के लिए तैयार हैं तो अभी वो मुसन प्लेटफॉर्म के जरिए से ही कफाला कर सकता है। पहले अफसर के जरिए से सारा काम हो जाता था पर अभी मुसन के जरिए से सारा काम होगा। तो जो लोग भी भाई कफाला कराना चाहते हैं तो वो मुसन प्लेटफॉर्म के जरिए से ही कफाला करा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी जो डोमेस्टिक वर्कर हैं जो यहाँ पर सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनको ये पूरी मालूमात हो, क्योंकि बहुत सारे भाई जो आज़ाद वीजा पे काम कर रहे हैं तो उनका जो इकामा है
तो उनके इकामे पर मकतबे अमल आ जाता है, तो उन्हें जो है जो सऊदी रहता है उसे बोलता है भाई कि 9,000-10,000 रियाल भरो, तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। अगली अपडेट है सऊदी अरब को छुट्टी के लेकर, जो काफ़ी दिन से ही ये चर्चे में रहा है कि अभी सऊदी अरब में 3 हफ्ते के अंदर 3 दिन की छुट्टी होने वाली है, यानी जुमा, शनिवार और संडे, यानी 3 दिन की छुट्टी हफ्ते के अंदर होने वाली है और 4 दिन ही काम होगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 48% लोग जो सऊदी अरब के नागरिक हैं, 48% लोग सहमत हैं इस बात से कि यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी हो। बाकी जो सऊदी अरब के नागरिक हैं वो सहमत नहीं है कि यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर 3 दिन की छुट्टी अगर एक हफ्ते के अंदर होगी और 4 दिन काम करने के लिए अगर मिलेगा, तो जो 8 घंटा ड्यूटी करता है जो वर्कर, उसे 9 या 10 घंटे का ड्यूटी लिया जाए, तो ये भी हो सकता है। और बहुत सारे जो सऊदी नागरिक हैं वो इस बात से सहमत नहीं है कि हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिले। हालांकि ये पहले जुमेरात जुमा का छुट्टी होता, तो पिछले 10 साल से ये जुमा और शनिवार के दिन का छुट्टी रखा गया, पर अभी यहाँ पर कभी भी ऐलान हो सकता है कि हफ्ते के अंदर 3 दिन की छुट्टी हो सकती है। तो यहाँ पर सऊदी अरब के हुकूमत का कभी भी ऐलान आ सकता है कि हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी होगी, यानी जुमा, शनिवार और संडे 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो अभी जो लोग भी भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना पड़ेगा, 3 दिन रेस्ट करो। तो सऊदी अरब में हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी होने वाली है, इस पर आप क्या राय रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं कि 3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, या जो है 2 दिन की ही छुट्टी जो पहले जिस तरीके से अभी है उसी तरीके से होना चाहिए, या 3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो ये थी सऊदी अरब से जुड़ी बड़ी अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग भी भाई चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।